दलसिंह सराय बाईपास जो SH-88 पे रेल ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है उसका अपडेट इस वीडियो में देखेंगे। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं कंस्ट्रक्ट इंडिया। तो सामने आप देख सकते हैं ये 32 नंबर गुमती है और इसमें कितना जाम लगा हुआ है। ये काली चौक से थोड़ी आगे की दूरी पर है जहाँ पर ये बाईपास रोड क्रॉस करता है और ये समस्तीपुर मार्ग है। ये रेल ओवर ब्रिज बनने से कुछ जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी दलसिंह सराय वासियों को। ट्रक सब इस तरीके से आ सकते हैं और ये देख सकते हैं ये अलाइनमेंट है बाईपास रोड का। और सामने आप देख सकते हैं आर्च टाइप ब्रिज बना हुआ है। चारों तरफ पानी लगने की वजह से काम पूरा रुका हुआ पड़ा था और फिर से काम अब चालू हो चुका है। तो आगे हम बढ़ रहे हैं। आर्च टाइप ब्रिज है रेल ओवर ब्रिज। अगर आपने हमारा रोड ओवर ब्रिज जो दलसिंह सराय में बनाया जा रहा है वो नहीं देखा तो देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। मेरी दाईं तरफ आप देख सकते हैं यहीं पर आर्च टाइप जो सेगमेंट है इसको रखा जाएगा। यही दो सेगमेंट रखना बाकी है इन दोनों पिलर के ऊपर। और आगे कंप्लीट है इस साइड का दलसिंह सराय साइड का आर्च टाइप का ब्रिज जो आप सामने देख सकते हैं कि लगभग कम्प्लीट हो चुका है इस साइड में। SH-88 का अपडेट वरना से लेके दलसिंह सराय तक कर दिया गया। हमारे चैनल पर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पर। तो आप सामने देख सकते हैं कितना काम हुआ है। सामने पोकलेन मशीन खड़ा पड़ा हुआ है जो कि काम अभी शुरू नहीं हुआ था, अब काम शुरू हो चुका है। और ये देख सकते हैं ये पिलर है जिसको कास्ट नहीं किया है, रेलवे के उस पार पर कास्ट कर दिया। इधर पानी का लगने की वजह से इस पिलर को कास्ट नहीं किया, अभी इसका भी काम चालू होने वाला है। ये समस्तीपुर बरौनी लाइन है और ये आप देख सकते हैं ट्रेन गुजरते हुए। इस तरफ का पिलर आधा कंप्लीट कर गया और पाइल कैप इस पर बनाया जाएगा। पाइलिंग इस पर हो चुका है देख सकते हैं आप, और आगे पाइलिंग कैप बहुत जगह बना लिया गया है। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं कि पाइलिंग कैप इस पर बना लिया है, इसी पर आर्च टाइप जो सेगमेंट्स है वो रखा जाएगा। और इसमें सामने देख सकते हैं कि पाइलिंग कैप इस पर बनाया जाएगा, पाइलिंग हो चुका है। सामने जो छोटा स्कूल दिख रहा है उसको तोड़ के हटा लिया जाएगा। यही अलाइनमेंट है बाईपास रोड का जो ये जबर में बनाया जा रहा है, सीधे हम चल रहे हैं। और सामने आप पोकलेन मशीन देख सकते हो जो काम में लगा हुआ है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि इसमें वर्कर काम कर रहे हैं, जो कंक्रीटिंग का काम है बेसमेंट का उसे किया जा रहा है। इसके ऊपर में पियर कैप बना करके सेगमेंट रखा जाएगा। और सामने देख सकते हैं ये सेगमेंट बन करके तैयार हो चुका है, बस कुछ एक दो सेगमेंट जो पियर कैप होता बनाने का वो बाकी है। तो ये लास्ट सेगमेंट है, पियर कैप बन करके तैयार हो गया, इसमें लास्ट सेगमेंट रखा जाएगा। और सीधा अलाइनमेंट आप देख सकते हैं जो डेनी चौक NH-28 की तरफ चला जाता है। तो आप सामने देख सकते हैं ये बाईपास का अलाइनमेंट है और ये सीधा बाजार समिति होते हुए डेनी चौक NH-28 पर मिल जाता है। इसके आगे भी 3 किलोमीटर काम नहीं हुआ है। ताजपुर बख्तियारपुर ब्रिज जो गंगा नदी पर बनाया जा रहा है उसका अपडेट नहीं देखा तो देख सकते इस वीडियो के बाद, हमारे चैनल पर कर दिया गया है और उसका काम जल्द ही चालू होने वाला है। ये बाजार समिति है और यहाँ पर देख सकते हैं पिचिंग हो चुका है यहाँ से NH-28 तक, और हम बाजार समिति को क्रॉस कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दें। इसी तरह का वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो सामने NH-28 से आप देख सकते हैं और हम वहां पर पहुंच चुके हैं। यह रोड बाईं तरफ दलसिंह सराय और दाईं तरफ मुसी सराय चला जाता है और ये डेनी चौक है। आप सामने देख सकते हैं NH-28 है और यहाँ पर एक बॉक्स कलवट बनाया जा रहा है, यही बाईपास का अलाइनमेंट है। और ये बॉक्स कलवट आप देख सकते हैं। धन्यवाद।